हेलो फ्रेंड्स, मैं शारदा चौधरी, क्रिएटिव साधना की फाउंडर एंड प्रेसिडेंट। जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिलती है। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। ये कहावतें सिर्फ कहावतें ना रहकर हकीकत बनते नज़र आ रही हैं इस विकटतम परिस्थिति 2020 कोरोना काल में। और इस कहावत को सिद्ध करके दिखाया कि आपके इरादे पक्के हैं, नेक हैं, तो आप अपने रास्ते सफलता के किसी भी परिस्थिति में बना सकते हैं। इसी बात को सच करके दिखाया भिलाई छत्तीसगढ़ की ज्योति प्रकाश ने, जो हमारे ही बीच की महिला है, जिन्होंने वायरस मिसेस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता है। मिसेस ज्योति प्रकाश, जी हाँ, एक गृहिणी और दो खूबसूरत बेटियों की माता। इन्होंने ना केवल अपनी जवाबदारियों को निभाया बल्कि अपने सपनों को जीना भी सीखा और लोगों को भी सिखाया। ज्योति प्रकाश क्रिएटिव साधना की हमारे हमराही और हमारे टीम मेंबर हैं और क्रिएटिव साधना मैत्री मिलन के चीफ गेस्ट के रूप में भी पधार रही हैं हमारे साथ। तो आइए इनके बारे में और जानकारी लेते हैं और इनसे मिलते हैं। नमस्कार, आई एम ज्योति प्रकाश, आई एम फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़। आई हैव बीन मैरिड सिंस लास्ट 16 ईयर्स। आई एम ब्लेस्ड विद टू लवली डॉटर्स। बिसाइड बीइंग अ मदर, अ वाइफ, अ डॉटर, आई एम आल्सो अ वुमन हु बिलीव्स इन हर ड्रीम्स। आई एम पैशनेट, कंपैशनेट, डेडिकेटेड, ऑप्टिमिस्टिक, फन लविंग, एनर्जेटिक एंड ऑलवेज बीइंग ईगर टू लर्न। आई बिलीव दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। I'm here to represent women, the power of Indian women. I hope you all have great evening. Thank you so much. Definitely, बहुत ही difficult है because मेरी दो बेटियाँ हैं और मेरे husband normally वो घर का काम नहीं करते हैं, but अभी सारी responsibility वो संभाल रहे हैं और मुझे उन्होंने अपने सपनों को जीने का मौका दिया है और उन्होंने कहा है कि तुमने बहुत sacrifice किए हैं तो अब तुम अपनी life जियो और बस मैं उन्हीं सपनों को साकार करने आई हूँ। Thank you so much.
वर्ड्स में भी वो आई है, और कैसे महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, रियली फीलिंग वेरी एक्साइटेड, और मतलब जो सपना देखा था वो पूरा हो गया है, और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं पिछले 1-1.5 साल से इस चीज़ के पीछे मेहनत की थी मैंने, और फाइनली मैंने वो मुकाम हासिल कर लिया है। और एक्चुअली आई वांट टू थैंक गॉड, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन हार्ड वर्क। मुझे मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी काम अगर सच्ची लगन मेहनत से करते हैं तो वो डेफिनेटली पूरा होता है, और अगर आपकी मंशा अच्छी हो, आपके इरादे नेक हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और आपको पेरेंट्स का सपोर्ट था ये प्रेजेंट में एंट्री लेने के लिए? जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग है, और अगर एक शादी के बाद उसके पति ही उसका सब कुछ होता है, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने सपोर्टिंग हस्बैंड और इतने अच्छे बच्चे, मेरे 2 बेटियाँ हैं मेरी, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, यहाँ आने के लिए बहुत मोटिवेट किया, और उन्होंने कहा कि मम्मी आप जाइए, अपने सपने पूरे कीजिए, और मेरे हस्बैंड ने उन्होंने हमने हर के ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और मैंने भी उन कई उतार चढ़ाव देखे, और मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम अब तुम्हारा टाइम है, तुम अपने सपने पूरे करो। और इन-लॉज के बारे में? इन-लॉज भी मेरे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी हमेशा मुझे इनकरेज किया है, मोटिवेट किया है, उनका मानना है कि अगर व्यक्ति में टैलेंट है तो उसे ज़रूर करना चाहिए। एक्चुअली मैंने अभी अपने जस्ट हस्बैंड को बताया है, अब वो उनके पास सारे फ़ोन वगैरह सबको बताएंगे वो, और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ही खुश हैं, और एक्चुअली ये जीत खाली मेरी नहीं है, ये पूरे परिवार की जीत है, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत इनकरेज किया इस चीज़ के लिए, मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के, बिना उनके मोटिवेशन के ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी मेरे लिए। तो आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले। थैंक यू मैम एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू।